हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 सितंबर 2021 से जो भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आप सभी को पता ही है कि सेबी की गाइडलाइंस चल रही हैं, यानी पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट्स जो सेबी के हैं उसके 4 फेज़ थे, तो अब उसका फाइनली जो 4th फेज़ है वो 1 सितंबर से आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि 1 सितंबर के बाद से क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं, कितना मार्जिन बढ़ने वाला है, क्या क्या आप पर पेनल्टी का इफेक्ट पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं, आप मार्जिन कम कैसे कर सकते हैं। इन बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ब्रोकर्स की तरफ से भी मेल आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी आपने कुछ पुराने टाइम में हो सकता है वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऐसे वीडियो बनाए थे कि ब्रोकर एसोसिएशन की बात चल रही है सेबी के साथ कि कुछ मार्जिन रहने दें, एटलीस्ट 50% मार्जिन तो रहने ही दें, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। सेबी फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहा है और आप देख ही रहे हैं कि ब्रोकर्स भी अब मेल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं कि 1 सितंबर के बाद से 4th फेज अप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि सेबी की तरफ से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन है नहीं, जिसका मतलब ये है कि इम्प्लीमेंट होने वाला है ये ऑर्डर। तो अभी आप देखेंगे कि एंजल वन का मेल है। दोस्तों, एंजल वन एंजल ब्रोकिंग ही है। मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ कि एंजल वन का मतलब ये है, इन्होंने कंपनी का आप थोड़ा सा नाम चेंज किया है, ब्रोकिंग से हटा के वन किया है, क्योंकि एंजल में आपको अब वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, मतलब शेयर मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब ये कंपनी पूरा प्रोवाइड करा के आपको देती है, इसलिए इन्होंने अपना नाम चेंज किया है एंजल वन। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं एंजल वन के साथ और आप बेस्ट सपोर्ट पाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, आप उस पर जाकर अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर 1 सितंबर से चेंज क्या होने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने, आप सभी को मेल आया होगा कि 1 सितंबर 2021 से सीधा सीधा बात कर लें तो 100% ऑफ टोटल एप्लीकेबल मार्जिन विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो भी आप ट्रेड करते थे, चाहे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, चाहे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में करते हो, कमोडिटी में, करेंसी में, कहीं भी ट्रेड करते हो, अब आपको इंट्राडे का कोई मार्जिन नहीं मिलने वाला है दोस्तों। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि जितना मार्जिन आपको डिलीवरी या कैरी फॉरवर्ड में रिक्वायर्ड होता था, वही सेम मार्जिन आपको इंट्राडे में भी रिक्वायर्ड होगा। तो इंट्राडे जैसा कोई वर्ड अब आगे नहीं रहने वाला है दोस्तों। इंट्राडे मार्जिन जैसे बेनिफिट जो मिलते थे, वो अब कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं मार्जिन से रिलेटेड नहीं, मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी, यानी कि आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोटल 5 चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से 5 में से 3 तो चीज़ें सेम रहने वाली हैं, 2 चीज़ें बदलने वाली हैं, जिन पर मैं आपको पूरा फोकस करके बताऊंगा विद एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझ में आ पाए और आप 1 सितंबर से अगर पेनल्टी लगी तो आप उससे बच पाएंगे। और आप पर पेनल्टी भी बढ़ने वाली है, तो वो किस तरीके से बढ़ने वाली है वो मैं आपको विद एग्जाम्पल इसमें बताने वाला हूँ। तो अगर आप देखेंगे बिल्कुल मोटा मोटा अगर इसमें, तो देखिए एक ये टेबल बना के इन्होंने दिखाया है कि 1 सितंबर से आपको चाहे इक्विटी हो, चाहे FNO हो, चाहे करेंसी हो, कमोडिटी हो, या कुछ भी हो, तो कुल मिला के आपको वन टाइम मार्जिन, वन टाइम का मतलब ये हुआ कि जितना पैसा आपके पास है आप उतने की ही ट्रेड कर सकते हैं, चाहे इंट्राडे करें या कैरी फॉरवर्ड करें, कोई उसका मतलब नहीं है, मार्जिन बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। अब और क्या चेंजेस होने वाले हैं दोस्तों, अब उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जीरोधा की वेबसाइट है, जिसमें ये जीरोधा का बुलेटिन है, काफ़ी पुराना, 1 दिसंबर के पहले का है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से लिखी हैं, इसलिए मैं इनका रेफरेंस आपको दे रहा हूँ। आपको पता ही है कि सेबी ने 4 फेज़ में अपना ये रूल जो है इम्प्लीमेंट किए थे। पहला फेज़ दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक चला, जिसमें इन्होंने कहा कि आपको जो टोटल मार्जिन लगता है कैरी फॉरवर्ड में, उसका 25% मार्जिन रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम निफ्टी का एक लॉट ऑप्शन का सेल करते हैं, तो सपोज़ कीजिए उसको कैरी फॉरवर्ड में 1,60,000 लगते हैं, तो आपको दिसंबर से फरवरी तक वो 40,000 रुपये लगे होंगे, फिर मार्च से मई तक आपको वही 80,000 रुपये लगे होंगे, और अभी की बात करें तो जून से 31 अगस्त तक वो 1,20,000 लग रहे होंगे, और 1 सितंबर के बाद से 1,60,000, चाहे इंट्राडे हो या डिलीवरी हो, उतना ही आपको लगने वाला है। तो एक तो ये चीज़ बदलने वाली है मार्जिन वाली। दूसरा दोस्तों क्या बदलने वाला है, दूसरा आपको पता ही है कि जो सेम चीज़ें रहने वाली, एक तो यही कि आप अगर अपनी होल्डिंग सेल करते हैं तो उसका 80% आपको सेम डे में मिल जाएगा, बाकी जो 20% रहेगा वो आपको अगले दिन आपके फंड में दिखाई देगा। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है,
कि फर्स्ट एग्जिट द हाई रिस्क मार्जिन लेग ऑफ अ पोर्टफोलियो ऑफ एफ एन ओ पोजिशन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, अब उनके लिए सीधी सी बात है, आप अगर दिसंबर के पहले बात करें तो आस्था जैसे ब्रोकर में हम 4000 रुपये में भी ऑप्शन सेल करते थे, अब 1 सितंबर के बाद से वही चीज़ 160000 हो जाएगी। इंट्राडे की भी मैं बात करूँ तो 160000 हो जाएगी, तो अब सभी तो वो कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हेजिंग का यूज़ कर सकते हैं। हेजिंग में स्ट्रेटजी बनाकर आप ऑप्शन के मतलब लॉसेस तो कम कर ही सकते हैं और अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अब इसको मार्जिन बेनिफिट के लिए भी यूज़ करेंगे। मार्जिन बेनिफिट कैसे मिलते हैं, आपकी अभी भी मार्जिन के बेनिफिट आपको हेजिंग में मिलते रहेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी का सपोज कीजिए 1000 पॉइंट दूर का अगर एक ऑप्शन बाई कर लेते हैं जो कि बहुत आपको कम प्रीमियम में मिलेगा और एट द मनी में आप सेल कर देते हैं, तो भी आपकी अभी भी ट्रेड चाहे इंट्राडे करें या डिलीवरी में भी ऑर्डर प्लेस करें तो 45000 के आसपास 45-50000 रुपये में वो हो जाएगी ट्रेड, यानी कि 160000 से हम 45000 रुपये तक अपना मार्जिन कम करा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अब हाई रिस्क मार्जिन वाली ट्रेड का क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल के देकर समझाऊंगा और इसमें आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप पे पेनल्टी किस तरीके से बढ़ने वाली है। दोस्तों सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में 50000 रुपये हैं, अब 50000 रुपये में आप ऑप्शन नेकेड ऑप्शन सेलिंग तो कर नहीं सकते हैं कि एक लॉट में सेल कर रहा हूँ निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो आप करेंगे क्या मार्जिन बेनिफिट के लिए कि आपने सपोज़ किया बैंक निफ्टी का एक लॉट पहले बाई कर लिया बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस का 1000 पॉइंट दूर की, सपोज़ कीजिए मार्केट अभी 35000 चल रहा है और मुझे अगर मान लीजिए BRS मेरा व्यू है तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं कॉल सेल करूँगा, तो मैं 35000 का कॉल सेल करता है लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है, 160000 रुपये लगेंगे, मेरे पास सिर्फ है 50000 रुपये, तो मैं क्या करूँगा 36000 की कॉल मैं बाई कर लूँगा। सपोज़ कीजिए वो मिल रही है मुझे 10-12 रुपये के आसपास या 20 रुपये के आसपास भी मिल रही है और फिर मैं उसको बाई करने के बाद एक 35000 की कॉल सेल करूँगा, तो ये जो ट्रेड मेरी लगेगी दोस्तों वो आराम से 45000 रुपये में लग जाएगी 1 सितंबर बाद भी। तो सपोज़ कीजिए मेरे पास 50000 हैं, वो ट्रेड मेरी चल रही है दोनों ट्रेड, अब ट्रेड चलते चलते क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जो भी हुआ, अब मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, तो स्क्वायर ऑफ अगर मैंने गलती से बाई वाली ट्रेड को कर दिया पहले, यानी ऑप्शन बाई जो मैंने किया था अगर उसको मैंने पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो दोस्तों इस सीन में होगा क्या कि आपने ऑप्शन बाई वाली ट्रेड को स्क्वायर ऑफ किया तो सिर्फ आपके पास एक ट्रेड बचेगी जो कि होगी ऑप्शन सेलिंग की, और ऑब्वियसली बात है कि अकेली एक ट्रेड चल रही होगी तो उस टाइम के लिए आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जंप करके सीधा जो अभी सिर्फ 45000 थी अब जंप करके कहाँ पहुँच जाएगी 160000 पे, लेकिन आपके अकाउंट में तो सिर्फ 50000 रुपये हैं, तो यहाँ पर शॉर्टफॉल कितना हुआ, 160000 माइनस 50000 आपके अकाउंट में 110000 का। अगर आज के टाइम में यानी 1 सितंबर के पहले आप ये कर रहे होंगे तो आपके पास कितना शॉर्टफॉल रिक्वायर्ड होता, क्योंकि अभी टोटल इंट्राडे में 120000 ही रिक्वायर्ड है, तो 120000 माइनस 50000 तो इस केस में आपके पास 70000 का शॉर्टफॉल आता, तो अभी अगर पेनल्टी लगी तो 1% की 70000 पर 700 रुपये लगेगी, लेकिन वही 1 सितंबर के बाद की बात करेंगे आप, तो दोस्तों चूँकि 160000 माइनस 50000 यानी कि 110000 का 1% यानी 1100 रुपये, तो पेनल्टी भी पर लॉट के हिसाब से यहाँ पर बढ़ने वाली है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, इन केस अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको पूरी तरीके से व्हाट्सएप सपोर्ट भी देता हूँ दोस्तों, आप जानते ही हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं तो हम आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर समझाएंगे कि किस तरीके से आपकी मार्जिन पेनल्टी लग सकती है। अब इसको हम बचाएंगे कैसे दोस्तों, अगेन सॉल्यूशन आपके पास एक ही है, और दोस्तों अगर आप मार्जिन बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आप अभी बहुत सारे ये चूज़ करेंगे कि कहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दूर का स्प्रेड बनाने को मिल रहा है, कौन सा ब्रोकर मुझे अलाउ कर रहा है दोस्तों, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है अगर आप मेरी बात मानेंगे दोस्तों, तो अगर आप चाहें तो एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि अगर आप हमारी रेफरल लिंक के थ्रू ओपन कराएंगे तो आपको प्रॉपर सपोर्ट हमारा मिल जाएगा, आप 1000-1500 पॉइंट दूर का बैंक निफ्टी में आराम से स्प्रेड बना सकते हैं जो हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। अगर इन केस कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ब्रोकर की साइड से, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करने से पहले अगर हमें भी कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस एज अ सपोर्ट आप चाहें तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन जरूर कराइएगा, साथ ही साथ अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं ऑफर कंटिन्यू रहने वाला है सितंबर 30 सितंबर तक कि आप अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो पहले महीने की जो ब्रोकरेज रहेगी आपकी टोटल जो ब्रोकरेज जाएगी उसका 30% अनलिमिटेड जो भी होगा 30% चाहे कितना भी ऊपर का अमाउंट हो आपको पूरा का पूरा वो रिफंड किया जाएगा, तो आप चाहें तो हमारी रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका मार्जिन भी बढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ आप अगर
अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं इन सारी चीज़ों को, आप सही से पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, तो पेनल्टी भी बढ़ने वाली है। तो इसका एक और सॉल्यूशन है दोस्तों कि आप कैसे स्क्वायर ऑफ करेंगे, अगर आप इस चीज़ में हेडेक नहीं पड़ना चाहते हैं तो भी आपके पास दोस्तों एक अच्छा यही एंजल ब्रोकिंग का जो ब्रोकर है उसका डीमैट, उसका जो मोबाइल ऐप है उसमें एक ऑप्शन है, आपको एग्जिट ऑल का फंक्शन वहाँ पर आता है, एग्जिट ऑल करेंगे तो दोनों पोजीशन आपकी साइमल्टेनियसली स्क्वायर ऑफ हो जाती हैं, तो आपको पेनल्टी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पर आप इस पेनल्टी से भी बच सकते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल देकर बताया है। और जो बाकी सारी चीज़ें थी वो सेम रहने वाली हैं, जैसे कि आप जो भी होल्डिंग सेल करते थे उनका यूज़ आप इंट्राडे में नहीं कर पाएंगे, पूरा अमाउंट होता है उनका यूज़ आप इंट्राडे में नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ 60% यूज़ कर पाएंगे कुछ केस में, और आपको जो भी जैसे इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ तो उसका यूज़ भी आप आज नहीं कर पाएंगे, उसका यूज़ आप कल कर पाएंगे, जो आपका होल्डिंग से जो प्रॉफिट होगा उसका भी यूज़ आप अगले दिन कर पाएंगे, और आपको अगर विड्रॉ करना हुआ तो 2 दिन आपको वेट करना होगा, यानी आपकी जो होल्डिंग से अगर आप आज सेल करते हैं तो मुझे 2 दिन सेटलमेंट का वेट करना होगा, उसके बाद में वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकता हूं अपने अकाउंट में। तो अगर दोस्तों बाकी सारी चीज़ों का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जिस तरीके से आप अभी चल रहे हैं वैसा ही कुछ रहने वाला है, सिर्फ 2 चीज़ें बदली हैं, एक क्या मार्जिन, ऑब्वियसली बात है मार्जिन बढ़े हैं, यानी कि आपको पूरा का पूरा मार्जिन रखना पड़ेगा 1 सितंबर से, और दूसरी चीज़ होगी अगर आप समझे हैं तो कि आप पे मार्जिन पेनल्टी बढ़ने वाली है, अगर आप सही से ट्रेड नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी जो अभी लगती थी उससे ज़्यादा आप पे मार्जिन पेनल्टी लगेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों हम 1 सितंबर के बाद से आपके लिए एक लाइव ट्रेडिंग, अभी मैंने पिछले 2 महीने से लाइव ट्रेडिंग नहीं की है दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उसके कुछ पर्सनल रीज़न है, मेरे पास फंड नहीं है, और फंड जब सोचते हैं आदमी की जैसे जैसे सेटलमेंट आएगा कि चलिए अब स्टार्ट करते हैं, तो अब सेबी के रूल आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा ऐसा होगा कि स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, 1 सितंबर बाद से जो भी मार्जिन रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग इंसान प्रिपेयर्ड होगा और फिर ट्रेड लेके आएगा, फिर अपनी ट्रेड कर पाएगा दोस्तों। मेरा ऐसा रूल नहीं है कि अगर मेरे पास कम पैसा है तो मैं ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में नहीं कूदता हूँ कि मैं ऑप्शन बाई कर लूँगा, फर्जी कुछ कर लूँगा, वो मेरा लॉजिक ही नहीं है, मैं ऑप्शन हेजिंग करता हूँ और वही करता रहूँगा। तो जब मेरे पास फंड होगा मैं बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 1 सितंबर को मार्जिन का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होगा इंट्राडे ट्रेड में या फिर डिलीवरी बोलें तो आप दोनों बात बराबर है, तो उसका प्रूफ मैं आपको 1 सितंबर को लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए, थैंक यू सो मच, गुड डे।